ये बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 10th। इस मेंटल मैथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली में सभी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को अवेलेबल कराया गया है, और बच्चों जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो भी इसको ध्यान से देखें और इसमें से सीख कर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। देखिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी है। इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हालांकि इसमें फिगर नहीं गिवन है, वो मैंने बना के रखी हुई है। तो AB 4 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर, EF 9 सेंटीमीटर एंड FD 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। तो ABC का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। और यहाँ पर बच्चों ये देखिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फिगर मैंने बना दी हैं। तो हमें ABC का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और DEF, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ABC और ट्रायंगल DEF दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ये गिवन है। ठीक है, आइए मैं लिख लेता हूँ पहले, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर गिवन है, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी। तो आइए इनको भी लिख लेते हैं, तो AB/DE, ठीक है बच्चों, इक्वल होगी AC/DF के, और इक्वल होगी यहाँ पर BC/EF के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आइए पहले हमें ये टू साइड ले लेनी है। इनसे हमें यहाँ पर देखिए ABC का पेरीमीटर तो फाइंड आउट करना, लेकिन हमें AC की साइड मालूम नहीं है ना ही BC की मालूम है, तो पहले हमें इसकी साइड मालूम करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। देखिए AB क्या है, 4 सेंटीमीटर, और साथ में DE क्या है, 6 सेंटीमीटर, इक्वल AC तो हमें फाइंड आउट करनी है, और साथ ही DF इसके अंदर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे मैं कर देता हूँ, और 6 × AC इस प्रकार 12 × 4, और 6 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेता हूँ, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और 4 × 2 = 8, तो AC आ गई इक्वल 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हम AC को लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये दोनों ले लेनी है। ठीक है, ये दोनों लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा AC/DF, तो AC क्या है बच्चों, यहाँ पर AC जो अभी आई है वो है 8/ यहाँ पर 12, ठीक है, इक्वल BC हमें फाइंड आउट करनी है, और साथ ही लिखा EF है अपनी 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मैं कर देता हूँ 12 × BC इक्वल 8 × 9, ठीक है, 12 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 की टेबल से, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3 × 2 = 6, तो BC आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया, तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पेरीमीटर का मतलब यहाँ से एक व्यक्ति अगर AB पर जाए, फिर B से C पर जाए, फिर C से A पर जाए, यानी टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी होगी। कहने का मतलब है कि तीनों साइड को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, आइए कर लेते हैं AB + AC + BC, तो AB है अपनी 4 और AC है अपनी 8 और BC है 6, तो इनको ऐड किया तो आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।